अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी करारे आलू के पकौड़ों की रेसिपी। ये घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 5 आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। इसे हमें मोटे साइड से ग्रेट करना है। अगर आप पतले साइड से ग्रेट करेंगे तो इसका हलवा बन जाएगा। आलूओं को हम 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे जब तक कि उसका स्टार्च ना निकल जाए, और फिर उसका पानी पूरी तरह से स्क्वीज करके निकाल लेंगे। पानी को अच्छे से पूरी तरह से स्क्वीज करके निकाल लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप मैदा। मैदा ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। हम इसे बिना पानी डाले इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ये ऐसे बाइंड हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। हमारा पकोड़े का मिक्सचर अब रेडी है। मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। इस तरह से मैं एक एक करके पकोड़ों को तेल में डालूंगी। इसे हमें गोल नहीं बनाना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप बिगनर हैं तो इसे फोर्क या स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। धीरे से हमें एक एक करके सारे पकौड़े डालने हैं। बैचेस में हम पकौड़े फ्राई करेंगे, सारे एक साथ नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। दूसरी साइड से भी पकौड़ों को हम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से सुनहरा कलर ना आ जाए पकौड़ों के ऊपर। ये देखिए अब पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पकौड़े अब रेडी हैं। इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या कोई गेस्ट अगर आपके घर में आए तो इसे आप जल्दी से बना के सर्व कर सकते हैं। ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैंने पकोड़े तेल में से निकाल लिए हैं। अब मैं बाकी के भी सारे पकोड़े इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ खाने के लिए अब हम हरी मिर्च फ्राई करेंगे। उसी तेल में हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें इस तरह से, और इन्हें फ्राई करके निकाल लेंगे। ये पकोड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।